हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको फिर एक बार बीएससी एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें दोस्तों। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर का है, तो हम अब इसकी पहले वीडियो बना चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 से हम आपको वीडियो दूसरी वीडियो बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, तो पहला है 20 नंबर का है, तो मूल्य सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो प्रिंस थ्योरी का नाम बताइए दूसरा क्या है दोस्तों। तो इसका दूसरा नाम आपको है, इसका दूसरा नाम है मूल्य नियंत्रण दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बाजार का नियंत्रण किया जाता है, तो दोस्तों बाजार का नियंत्रण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन खेती की सफलता का मापक नहीं है? तो बताइए आप कौन सी खेती का मापक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पूंजी पर मूल्य ह्रास, ठीक। क्या है निम्नलिखित में से कौन सा खेती की सफलता का मापक नहीं है, तो इसमें राइट आंसर है पूंजी पर मूल्य ह्रास। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फार्म प्रबंधन विश्लेषण का साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का होगा, फार्म बही अभिलेखन, ठीक फार्म बही अभिलेखन, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, 24 क्या कह रहा है, पूर्णतया लोचदार मांग दर्शाई जाती है सीधी, मतलब ए नंबर ए देखिए सीधी समतल रेखा पर, बी एक खड़ी सीधी रेखा द्वारा, नंबर सी दाएं से बाएं से दाएं वक्र के झुकाव पर, नंबर डी है दाएं से बाएं वक्र के झुकाव पर, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का, खड़ी सीधी रेखा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 क्या कह रहा है, परिवर्तनीय अनुपात का नियम तभी लागू होता है जब, बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा, जब एक नियत साधन पर एक परिवर्ती साधन हो, तो राइट आंसर इसका बी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ऐसे बाजार जिनमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो कहलाता है, तो बताइए क्या कहलाता है, तो ये होगा एकाधिकार बाजार, ठीक इसका राइट आंसर होगा एकाधिकार बाजार। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संयुक्त मोर्चा सरकार ने किसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर का, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 क्या कह रहा है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो बताइए आप कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये थी 1965 ईस्वी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रत्येक आय पर समान दर से लगने वाला कर कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का, समानुपातिक कर, ठीक समानुपातिक कर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है, तो बताइए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है, तो ये 30%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं, 31 क्या कह रहा है, किस अवधि में भारत में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना लागू हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का, 1966 से 1969 तक। क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं, 32 क्या कह रहा है, सम लागत रेखा का ढाल दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का, लागत मूल्यों का अनुपात, ठीक इसका राइट आंसर होगा लागत मूल्यों का अनुपात। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो कमेंट में आप बताइए, अगर आपको क्लास हमारी पसंद लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, 33 क्या कह रहा है दोस्तों, 33 कह रहा है दोस्तों सॉरी वो नेट प्रॉब्लम थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सीमांत लागत वक्र और लागत वक्र को तब काट
काटता है जब औसत लागत, बताइए राइट आंसर इसकी अधिकतम हो। इसका राइट आंसर होगा ए, इसकी लागत अधिकतम हो। सीमांत लागत वक्र औसत लाभ वक्र को तब काटता है जब इसकी औसत लागत अधिक हो। ठीक, इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, असमान प्रतिफल के नियम को लागू होने से नहीं रोका जा सकता सिवाय, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए आप डी होगा, उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर। ठीक, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं, सम सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या करता है। तो दोस्तों नंबर इसका राइट आंसर होगा बी, ए नंबर का, आगत निर्गत संबंध की। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 36 देखिए, 36 क्या कह रहा है? कृषि प्रचार आधारित है। तो कृषि प्रचार आधारित है किस पे आधारित है? तो क्वेश्चन आंसर इसका होगा तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, खाद्य पदार्थों की पूर्ति की सीमा लोच सामान्यता होती है तो कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों एक से कम। कितनी होती है? एक से कम। खाद्य पदार्थों की पूर्ति की कीमत लोच सामान्यता होती है तो एक से कम होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 38 की ओर, समय के आधार पर कृषि साख का नियम प्रकार है, बताइए इसका प्रकार क्या है? तो इसका प्रकार बताइए, तो इसका प्रकार है दीर्घकालीन साख। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं, सहकारिता के मूल सिद्धांत हैं। सहकारिता के मूल सिद्धांत क्या हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों हैं सहकारिता के मूल सिद्धांत, उपयुक्त तो सभी होगा इसमें संयोग। तो दूसरा नंबर है प्रजातांत्रिक संगठन, और तीसरा है पारस्परिक सहायता। तो इसमें उपयुक्त तो सभी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 40 की ओर, खंड विकास परिषद का अध्यक्षता की जाती है। तो ये किसके पास की जाती है? तो ब्लॉक प्रमुख द्वारा की जाती है। दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी? तो किसको दी गई थी ये? तो दोस्तों ये दी गई तृतीय, इसका राइट आंसर होगा तृतीय। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये बहुत तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो पेपर में आ सकता है ज़रूर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की थी? तो कब की गई थी इसकी स्थापना बताइए? इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, 1982 में, ये राइट आंसर होगा 1982 दोस्तों को। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 43 क्या करा है, जब एक वस्तु के उत्पादन स्तर में हुई वृद्धि या कमी का दूसरी वस्तु के उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं न्यूनतापूर्वक संबंध। ठीक, न्यूनतापूर्व संबंध ए नंबर होगा इसका राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पूंजी बचत का परिणाम है और इसका संचय निर्भर करता है, तो बताइए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी पर, बचत करने की शक्ति पर, बचत करने की इच्छा पर, बचत करने की सुविधा पर, तो इसका राइट आंसर होगा सभी पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ए मार्शल के अनुसार उत्पत्ति हास्य नियम लागू होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी में, उद्योगों में, कृषि में, सेवा सेक्टरों में, सभी में होता है इसका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है? तो बताइए किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ए मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 39 किस प्रकार के उर्वरक की प्रकृति सॉरी किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयतन पर निर्भर करता है, आयत पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका नाइट्रोजेंस उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 50 देख, किस प्रकार की सहकारी खेती में भूमि
भूमि स्वामित्व सामूहिक होता है तथा खेती व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सहकारिता सामूहिक खेती। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो हमारी क्लास को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। दोस्तों अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो बता दें मुझको कमेंट करके। दोस्तों और सब्सक्राइब हमारी वीडियो को जरूर कर दें। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।